अपना अध्यक्ष नहीं मिला और घूम फिर कर यही लग रहा था कि गांधी परिवार के साथ ही जाएगी, तो राहुल आउट हुए तो नया बैट्समैन के रूप में सोनिया जी आ गई और प्रियंका जी पेट बांधकर बैठी हुई है, इसलिए कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं जा सकता ऐसा लगता है। नेता ने अपराधी कहा नेहरू को, तो उसके बाद कांग्रेस पूरी आक्रामक हो गई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मिट्टी की धूल, उनके पांव की धूल भी नहीं है। नेताजी सज्जन सिंह वर्मा ने भी टिप्पणी करी कि उनके पूर्वज का भी नहीं लड़ रहे, वो नेहरू जी पे नहीं बोल सकते। अब देखिए, सज्जन वर्मा सदी जी के हल्के नेता के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि इस देश के अंदर उनकी स्थिति क्या और शिवराज जी की स्थिति क्या है। शिवराज जी एक विजेता हैं, दिग्विजय सिंह जी एक हारे हुए नेता हैं। यही लग रहा था कि गांधी परिवार के साथ ही जाएगी, तो राहुल आउट हुए तो नया बैट्समैन के रूप में सोनिया जी आ गई और प्रियंका जी पेट बांधकर बैठी हुई है, इसलिए कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं जा सकता ऐसा लगता है। अब देखिए, सज्जन वर्मा सदी जी के हल्के नेता के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि इस देश के अंदर उनकी स्थिति क्या और शिवराज जी की स्थिति क्या है। शिवराज जी एक विजेता हैं, दिग्विजय सिंह जी एक हारे हुए नेता हैं।